सभी को बाहर निकलना होगा, आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। दंगे अभी शाहीन दिल्ली में दंगे होने से पहले ईस्ट दिल्ली में शाहीन बाग के जो लोग थे उन्होंने गृह मंत्रालय से न्योता आया था कि आप टेबल पे बैठिए हम बात करते हैं इसका सोल्यूशन होगा, लेकिन वो लोग नहीं आए। और जब इंटरनेशनली कोई मेहमान आया था तब उन्होंने दंगे कर, ये पूरे सुनी जो थे, पूरा ये प्री प्लानिंग थे। प्री प्लानिंग हमें करना है। ताहिर हुसैन तो अभी गिरफ्त आ गया गिरफ्त में, अभी तो सभी ने बारी बारी से रिमांड लेंगे, ईडी भी लेंगे, सीबीआई भी लेंगे, सभी रिमांड लेंगे, दिल्ली पुलिस भी रिमांड लेंगे, उसके बाद ये पत्ता खुलेंगे इसमें कौन कौन शामिल है। इसमें बहुत सारे नेता भी आएंगे चक्रव्यूह में, और सबको, जितने भी नेता चक्रव्यूह में आएंगे वो आम आदमी पार्टी के क्यों ना हो, वो बीजेपी का क्यों ना हो, वो कांग्रेस का क्यों ना हो, सारे को जेल में डालना है, सारे को पिटाई करनी है। और इसमें कितने हैं और शामिल है इनकी भी जांच होनी चाहिए। और विपक्ष अमित शाह का इस्तीफा मांग रही है, आपको क्या लगता है किस बात का इस्तीफा चाहिए? किस बात का इस्तीफा चाहिए? 84 दंगे भी तो इन्होंने कराया, किस बात का? सीए का प्रोटेस्ट करने के लिए जगदीश टाइकलर को प्रियंका वाड्रा क्यों लेके गए थे इंडिया के गेट में? सरासर प्री प्लानिंग थे, दंगाइयों के साथ है विपक्ष भी दंगाइयों के साथ है, तो इसीलिए इसका विरोध कर रहे हैं। और उसके बाद एक मंदार साहब हैं, उन्होंने कहा कि ये देश मेरे बाप का है और मैं सड़कों पे जाके इसका फैसला करूंगा, क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट पे भी अब भरोसा नहीं है, तो आप इस पे क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट में तो कांग्रेस का भी भरोसा नहीं है, विपक्षी दल का भी भरोसा नहीं था जब राम मंदिर तय हुआ, जब डिसीजन ऑलरेडी आ गया सुप्रीम कोर्ट से, तभी विश्वास नहीं था। सुप्रीम कोर्ट याचिका लेके पहुंच गए थे, याचिका खारिज हो गया, विश्वास किसके ऊपर है? के ऊपर है उनको विश्वास, जनता को तो बरगला रहे हैं, वो बरगला रहे हैं। गांधी मैदान में सोनिया गांधी ने कहा कि हम रोड पे आएंगे, लड़ेंगे, ये करेंगे, तो आ गए रोड पे आ गए। हाँ। तो करता धरता कौन है? विपक्षी दल है और कांग्रेस है। हाँ। सीए का विरोध करने के लिए जगदीश टाइकलर को लेके पहुंच रहे, दंगाइयों को लेके पहुंच रहे हैं, तो सरासर दंगाई सारे उनके साथ मिले हुए हैं, कांग्रेस के साथ। तो और राहुल जी जो चांदबाग गए, उनको वहां से भी उनको बोला गया गो बैक राहुल, इस पे क्या कहेंगे? गो बैक राहुल राजनीति कर रहे हैं, वोट राहुल की जो राजनीति है वो खत्म हो चुकी है, ऐसा आप मानते हैं? अब शादी कर लेनी चाहिए, शादी भी कर लेनी चाहिए, और वोट बैंक की राजनीति, उधर दीदी भी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, सभी सारे मिलके राजनीति कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति। हमारे पड़ोस में ये दंगा हुआ था, बिल्कुल लगा हुआ है, DRP स्कूल है, वो स्कूल हिंदुओं का था, सुनिए जो तरीके से उसमें पूरा तबाह कर दिया, और जो राजधानी स्कूल था वो मोहम्मदनों का था, उसमें कुछ भी नुकसान नहीं किया, और उसकी ऊपर छत से चढ़ चढ़ के उसी स्कूल में कूदे राजधानी से, और पूरे स्कूल में DRP स्कूल में सब में आग लगा दी, तीनों मंजिलों में नष्ट भ्रष्ट कर दिया। उन्होंने पूरी प्लान के साथ में कई हज़ार आदमियों ने दंगा किया, और मुसलमान थे, इसमें कोई संदेह के लिए स्थान नहीं है। शुरुआत में दंगा उन्होंने ही फैलाया, चारों तरफ दुकानों में आग लगाई, एक मिठाई की दुकान और थी बहुत बड़ी उसमें भी उन्होंने आग लगा दी, एक गैरेज थी बहुत बड़ी उसमें गाड़ियाँ थी उसमें भी आग लगा दी, जो भी वहाँ हिंदुओं की जो दुकान थी सब में उन्होंने आग लगाई, तोड़ा फोड़ा, और अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए नष्ट भ्रष्ट कर दिया। दंगा उन्होंने ही फैलाया, हिंदुओं ने बिल्कुल भी कोई प्रोटेस्ट नहीं किया था, वो तो जब किया, जब आग उन्होंने देखा तुम्हें ये मार देंगे सब, तब हिंदू जो है गए उनके विरोध करने के लिए आए। और ताहिर हुसैन पकड़ा गया, सरेंडर कर दिया उसने, उसका कहना है कि आप मेरा नार्को टेस्ट करवा लीजिए, मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी, जैसा उसने पहले कहा था कि मैं तो 24 तारीख को वहाँ था ही नहीं। वो पूरी तरह से दंगे में शामिल था, उसके आदमी 500 आदमी उसने चढ़ा रखे थे, और बोतल फेंक रहे थे, रिवाल्वर चला रहे थे, गोली चला रहे थे, वो खुद आदेश दे रहा था, वो वहाँ शामिल था, और जो मेरे साथी हैं सब हम वहीं रहते हैं, उस पूरी तरह से उसने आग लगाई, को कहता था कि इन हिंदुओं को आज ख़त्म करना है, उसका पूरी तरह से हाथ है, पूरा दंगा उसी का है, उसी ने भड़काया है। जो वहाँ पर भी ब्रजपुरी में दंगा हुआ वो भी उसी ने करवाया है, और शिव बिहार में जो दंगा हुआ उसी ने कराया है, और चांदबाग में भी दंगा उसी ने कराया, भजनपुरा का पेट्रोल पम्प उसी भीड़ ने जलाया है, वही है दंगा। बात सबसे सर, ये जो भीड़ थी पहले कश्मीर का, भीड़ का सोल्यूशन हमने कर दिया, और आपको क्या लगता है कश्मीर का जो फ्रस्ट्रेशन है वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में निकल गया? इन्होंने भीड़ ज़्यादा हो गई थी, इन्होंने रविवार वाले दिन इतनी भीड़ जो है इन्होंने जाम लगा दिया, और जाम लगा के जनता इतनी परेशान कर दी कि अब जनता परेशान हो जाएगी। फिर इन्होंने क्या काम किया कि अगले दिन फिर इन्होंने नीति बनाई, और अगले दिन का आग लगानी है, स्कूल से ही 11 बजे अपने बच्चों को निकाल लिया इन्होंने, और जो हिंदुओं के बच्चे थे वो दो बजे जो है छुट्टी हुई, इन्होंने 11 बजे सब बच्चों को निकाल कर दंगा जबर शुरू कर दिया। पहले इनका प्लान था,
यानी ये बच्चे स्कूलों से नहीं निकालते, खुद जहाँ मैं पढ़ाता हूँ 11 बजे सब बच्चों को इन्होंने स्कूल से निकाल लिया था मुसलमानों ने। मैं कह रहा हूँ दिल्ली हम सबकी है, हर कम्युनिटी के लोग दिल्ली में रहते हैं और ये मिनी इंडिया है। जब हम मिनी इंडिया में रहते हैं तो सारा सिस्टम सही से रहना चाहिए। रोड पर कौन बैठता है कौन नहीं देखता वो संबंधित डिपार्टमेंट देखेगा, चाहे दिल्ली पुलिस के लोग देखें चाहे कोई और देखे। अगर वहाँ पे कपिल मिश्रा जी गए तो कपिल मिश्रा जी क्यों गए? अगर रोड पर कीचड़ होता है तो हम कीचड़ को देख के रास्ता बदल देते हैं। कितने दिन बदलेंगे सर? पहले आप बच्चों के एग्जाम है, सुनिए पहले। हम रास्ता बदल देते हैं और रास्ता बदल के हम निकल जाते हैं। गलत चीजों को बढ़ावा हम देते हैं, कपिल मिश्रा जी ने जाके भीड़ को भड़काया है, उसके बाद ये सारी चीजें हुई। ताहिर साहब ने क्या किया? ताहिर साहब ने जो किया वो गलत किया, उसकी सजा उन्हें कानून देगा, देश देगा। हमने गलत कपिल मिश्रा जी ने नहीं 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 कपिल मिश्रा इन्होंने कहा कि कपिल मिश्रा ने भीड़ को भड़काया, तो मैं इस भाई साहब से जानना चाहता हूँ। नहीं नहीं सुनिए, कपिल मिश्रा जी ने कहाँ क्या कुछ ऐसा बोल दिया जिससे भीड़ भड़क गया? एक तरफ जो है सोनिया गांधी बोल रही हैं कि सभी को बाहर निकलना होगा, आड़ पाड़ की लड़ाई लड़नी होगी, हाँ आप निकलो हथियार उठाओ। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपको एकदम जो है किसी को रोड पर लाकर कूचना होगा, धमकाना होगा। ताहिर से लेकर जितने भी लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं, अमानुल्लाह खान क्या बोल रहे हैं, वो आपको नजर नहीं आ रहा है कि कपिल मिश्रा जो गलत बोल रहे हैं? नहीं नहीं कानून करेगा, आप और हम नहीं होते करने वाले। कपिल मिश्रा ने तो ये कहा, मिश्रा जी ने जो किया वो गलत किया। एक मिनट, आप और हम रास्ते, आप और हम क्या कहते हैं 50 किलोमीटर घूम के जाए, आप और आप और मेरे बच्चे स्कूल ना जाए, और हम लोग नहीं थे, हम पब्लिक स्कूल जाए, नेता इन्वॉल्व थे, पॉलिटिकल लोग इस चीज से बाहर रहे, सरकारी तंत्र अपना काम करेगा। इसमें हमें लोगों को सरकारी तंत्र को तो तुम लोग फेल कर दिए हो जी, तुम लोग तो अपने को कानून का बाप मानते हो, न सुप्रीम कोर्ट का समझ रहे हो, न हाई कोर्ट का समझ रहे हो, न पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून का इज्जत कर रहे हो। कहते हो मैं संविधान का ये हूँ, एक हाथ में संविधान लेकर घूम रहे हो, दूसरे हाथ में तिरंगा का बेइज्जती करते हुए, तिरंगा को भी शर्म आता होगा। देखो तुम्हारे कारण आज तिरंगा भी हट गया है, तिरंगा को भी शर्म आता है। मोदी साला ये गाली दे देते थे छोटे छोटे बच्चों को ऐसा सिखा रखा इन लोगों ने कि मोदी साला भड़ुआ है, अमित शाह साला भड़ुआ है, इसे काट देंगे और मार देंगे। ये सर मैं भी हिंदू हूँ और मेरा भी भावना है, मगर ये गलत बात है। किसी ने किसी को नाम से हिंदू नहीं, नाम से हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, यहाँ बात है कि आप सही हो या गलत हो, आप विधि के साथ हो, कानून के साथ हो या कानून के विरोधी हो, ये बात हो रही है। हिंदू मुस्लिम की कहाँ बात हो रही है? भरतपुरी में भी और चांदबाग में 2 महीने से सड़क घेर रखी है और ना किसी को निकलन देते, गालियां बकते हैं और इतनी और खाने को फ्री मिल रहा है। अगर कपिल मिश्रा के कारण दंगा फैला तो ये जो बड़े बड़े गुलेल जो वेल्डिंग किए हुए थे उसके बाद इतने जो हजारों लाखों की संख्या में जो पेट्रोल पंप आ गया, 7 ट्रक जो है अभी रिपोर्ट आया है कि 7 ट्रक ढेला मिट्टी क्या होता है पत्थर आया, रोड़े आए 7 ट्रक, हाँ, और उसके बाद जो है ये आपको तेजाब 600 लीटर तेजाब आया, उसका क्या होगा, कहाँ से आ गया? वो सब केजरीवाल, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, 7 दिल्ली जैसे शहर में इतनी पतली गलियों पर 7 ट्रक रोड़े आ जाएंगे क्या, आ सकते हैं क्या? तो घर में उससे पहले सांप भी दिखा, उसके बाद उसमें पत्थर भी दिखा, तो बाहर से भी तो पत्थर फेंके जा सकते हैं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, सुनिए। अरे तो पत्थरबाजी जब वहाँ रोडों पे फैले घूम रहे सब जगह, वो इतना 7 ट्रक पूरे 7 ट्रक, हाँ पूरे। देखो गलत बात करना, अरे भैया सुनो, अब ये इंटेलिजेंस, ये सुनिए भैया, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इंटेलिजेंस रिपोर्ट बोल रही है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट बोल रही है। अरे दिखाई क्या दे रहा है, पूरा घर मकान दुकान सब कुछ। अच्छा देखिए, अभी तक बात चल रही है कि किसकी गलती थी, कैसे दंगा भड़का। सवाल ये नहीं है कि किसकी गलती थी, किसने पहले पत्थर उठाया, किसने पहले लाठी मारी, सवाल ये है कि इस देश का जो एक सामाजिक समरसता थी वो कहाँ गई है, ये किसकी जिम्मेदारी है कि उस सामाजिक समरसता को बनाए रखना है। सबकी है सर,
सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन उसमें पहला जो पहला काम है वो कौन करेगा? सरकार करेगी ना? सरकार सर क्या करेगी? सरकार ये करेगी कि जब तक हर आदमी के दिल में ये विश्वास ना पैदा करे कि हम सबके हैं और सबके लिए यहाँ बैठे हैं, तब तक बात आगे नहीं चलेगी। मेरा ये मैं ये बताना चाहता हूँ देश की सरकार को कि जिस तरह आपने एक सफाई अभियान देश के अंदर शुरू किया है, उस तरह से एक समरसता जो भाईचारा है उसका अभियान शुरू करे। ये 5 साल उसके लिए दे तो आपको अगले शायद उसके बाद जो है देश आपके साथ चलेगा। सर क्रोनोलॉजी ये है कि जब एक कानून पास होता है उस पर इतना बड़ा बवाल होता है, देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री संसद के पटल पे ये कहता है कि ये जो कानून है ये देश में नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता देने, इतनी सिंपल सी बात नहीं समझ में आ रही है। देखिए जो कानून आया है CAA का, ये नागरिकता लेने और देने की बात नहीं है। बात यहाँ पर एक विश्वास की है। अगर किसी को इस बात से कोई तकलीफ है, कोई किसी चीज़ का ग्राउज है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी को उनकी शक शुबा जो उनके अंदर है उसको दूर करना चाहिए, ना कि एक अड़ियल रवैया अपनाना चाहिए, क्योंकि सरकार है वो सबकी होनी चाहिए और उनको सबका सोचना चाहिए, सबका देखना चाहिए।